हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? हेलो भाई, मम्मी ठीक? हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ, अभी नहाकर निकली हूँ, अभी रेडी हुई हूँ और साथ में मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं ऐसे भी इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने हीटर चलाया और मैं हीटर की हवा भी सेक रही हूँ। मम्मी को छुट्टी थी, अभी फ्री हुई हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड जैसे कल आ चुके थे, तो आज मैंने लगाई थी मशीन, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो कोमल में मैंने धोए आज कपड़े। तो बस अभी हम फ्री होकर नहा कर बैठे हैं। कोमल, यस सर। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ केक। बस केक के पीछे बड़ी हुई, केक बनाना है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि केक बनाने में टाइम भी तो लगता है बहुत। एक घंटा केक बना लेगी, एक से आधा घंटा। अब बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह सब मंगवा के दूँ कोमल को। बिस्कुट है बस, चॉकलेट बिस्किट है तो चॉकलेट लानी है। तो बनाएंगे केक, तो केक बना के आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी दिनों से मम्मी पीछे पड़ी हुई, मम्मा देखो केक तो मैंने लेके आ ली चॉकलेट है। आप कोमल लेने जा रही है चॉकलेट, तो केक बनाने की तैयारी कर रही है। तो देखते हैं कोमल केक बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कोमल केक कैसे बना लिया है। चलिए मिलते हैं आपको। कोमल आ गई है। कोमल आ गई, क्या ले जाइए? सामान सामान ले जाइए, बिस्किट और चॉकलेट, ये जैम और जैम्स लाई है केक के लिए, ये डेरी मिल्क और ये पार्ले जी। तो पड़े ही पार्ले जी के बड़े बड़े पैकेट पड़े नहीं है, खत्म हो गया क्या? ओरियो पड़े हुए हैं, ओरियो तो पड़ी है तो ओरियो तो चाहिए ना। हाँ, ओरियो पड़े हुए, पार्ले जी खत्म हो गए क्या? लेके आएंगे तो इसको पिघलाएंगे आप, फिर ऊपर डालेंगे। तो चलो मम्मी, मैं तैयारी कर लेती हूँ। क्या तैयारी करनी है मेरे को बताओ, मैं करवाती हूँ। तो आप ले, नहीं मैं कर लूँगी। फिर आप ले आओ, क्या क्या करना है मैं देखूँ। कुछ नहीं करना, करना उधर ही है रसोई। आप इधर ले आओ ना, कम करके फिर अपने मतलब तो भी है ना। क्या मिट्टी ग्राइंड करना है तो कोमल जा चुकी है केक बनाने, केक की तैयारी करने। तो चलिए देखते हैं कोमल केक कैसे बनाती है। तो मिलते हैं। कोमल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं डिनर में। कोमल, आज रोटी का समझ नहीं आ रहा कि मैं रोटी में क्या बनाऊं। और कोमल कह रही है कि मम्मी दाल चावल बना लो, दाल चावल बना लो। कल जैसे कि आपको पता कि मैं कल दाल चावल बनाने लगी थी, कल नहीं बना पाई। हाँ, दूध नहीं, दूध भी ले आते, थोड़ा सा पड़ा दूध अंदर। तो आज मैं बनाऊंगी दाल चावल, देखते हैं आज बनाती हूँ बच्चों के लिए दाल चावल। दूध तो काफी है, काफी है। हाँ। हो जाएगा दूध। चलो भाई, अब हम चलते हैं। आओ जो आप ठंडी कितनी हो रही है, पहले आप गर्म हो जाओ इधर आके। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कोमल केक कैसे बना रही है। थोड़ी देर में चलेंगे बाहर, देखेंगे कोमल क्या क्या कर रही है। बाहर जाके देखते हैं कोमल क्या कर रही है। मुझे भी स्वेटर भी पहननी पड़ेगी, तो मैं स्वेटर नहीं डालूंगी। तो मैं इधर के आगे से उठूंगी तो मुझे लगेगी ठंड। बताओ, यहाँ से अभी थोड़ा सा दूर होगी तो ठंड लगनी शुरू हो गई। तो चलिए चलते हैं हम बाहर, देखते हैं कोमल क्या कर रही है। ये देखिए, कोमल तो लेके बैठ गई अपना पूरा ग्रेडियंस लेकर बैठ गई है। तो वाह, तो कोमल अभी इस क्रीम निकाल रही है। आपको जितना थोड़ा बड़ा खाना, कोमल हिसाब से बनाएगी, छोटा या बड़ा, तो बढ़िया अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर हीटर लगा लूँ। लगा खुशी, थोड़ा जल्दी कर ले। खुशी बैठी हुई अंदर कपड़े संभाल रही है अपनी अलमारी। खुशी जल्दी आ जाए बेटा, अलमारी संभाल के। डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट है बेटा। और ये देखिए छोटी, नहीं अभी वो चलाना मत। तो मैंने बटन लगा दिया मिक्सी का, तो आप जल्दी जल्दी कर लो। मुझे लग रही है बहुत ठंड में स्वेटर पहन के आई।
मैंने स्वेटर पहनी है, बहुत ठंड लग रही थी गाइस मेरे को, तो कोमल ग्राइंड कर रही है आराम से आराम से। दादी हो गया कुछ थोड़ा, इतना भी ठीक नहीं करना, आराम से निकाल लो, पूरा कर लो तब तक। अब मैं इसमें निकाल लूँगी। मतलब यहाँ पर बढ़िया आराम से बैठ के कर ले, बंदा अंदर रसोई में कई बार खिचखिच हो जाती है, कई बार नहीं सामान मिल पाता, आराम से बैठ के यहाँ पे अपना कोमल पूरा सही से कर लेगी ग्राइंड वगैरह। ये देखिए कोमल ने कर दिया है, दूध देना अंदर से, ये हो गया बिस्किट, ठंड करो, दे दो अंडा, कमल को नहीं कोमल को, सॉरी कोमल को अंडा दे दो, ये लो एक, हम अंडा भी डालेंगे। वो देखेगी ये लो फ्रेंड्स, कोमल ने कर लिया तैयारी है, तो ये देखिए केक का बैटर बना लिया है कोमल ने, और कोमल बना रही केक, जल्दी से केक कर रही है रेडी, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो होगा उस तरह से ला ना, तो चलिए कोमल बना लूँ फिर देखते हैं, तो हम व्हाइट क्रीम और ब्लैक क्रीम बना लेंगे। चलो आप जल्दी से रेडी कर लो, कोमल रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कोमल अभी कर रही है चॉकलेट और मेल्ट। कोमल क्या कर रहे हो? मैं कर रही हूँ केक, मैंने ओपन में रख दिया था, तो कोमल इतनी सियानी है केक बना लेती है, तो कोमल को उसको चॉकलेट को कर दिया है, मेल्ट पानी बना यहाँ पे रख दिया है, ये टूटेगा पानी है आप उसका मत लेना, क्योंकि फिर बाद में फेंकना पड़ेगा, ऐसे बाउल में रख के फिर उसके ऊपर रखना, हाँ सुपर बोल को बोलिए सर सुपर रखना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी मटर पनीर, तो मैं ग्राइंड कर लूँ फटाफट बना के, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स कोमल ने केक बना लिया है, तो देखते हैं केक की केक का रंग देखते हैं कैसा आया है। तो ये देखिए तो अभी इसको कर रही है दोनों डेकोरेशन, तो डेकोरेट करो चम्मच से खिलाओ। तो गाइस केक बन गया, अब हम रुक जा रुक जा रुक जा, क्रीम लगा रही हूं, और बच्चे इसमें लगा रही है चॉकलेट क्रीम, तो जल्दी से रेडी कर लो बेटा, कम कम लगाइयो, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में पूरा रेडी होके। ये देखिए फ्रेंड्स कोमल ने केक रेडी कर लिया है, कितना ही प्यारा लग रहा है, कोमल केक बन गया बहुत ही प्यारा केक लग रहा है, मेरा हाल देखो गाइस। अब इसको रख दो फ्रीजर में, कपड़े भी गंदे हो गए, चलो जल्दी उठो क्लियर है, बहुत कड़ी है बहुत ज़्यादा क्लियर के डाल दिया बच्चों ने, चलो कोई बात नहीं, और केक रेडी फ्रीजर में लगा दो अब इसको थोड़ी देर के, ताकि ये इसकी ऊपर की क्रीम जम जाए, हम जो चॉकलेट है वो भी खा लेते हैं, इसको ना सीधा लगाइए, हम क्रीम भी खा लेते हैं। फ्रेंड्स बनने के बाद फ्रेंड्स हस्बैंड भी हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो वो बैठे हैं हमारी तस्वीर थोड़ी पार्टी, काम करता हूँ पार्टी गाइस हमारी हो चुकी है, तो मैंने इसलिए पेट भर चुका है फुल, कोमल ने तो बनाया केक, अभी हम भी कराते हैं केक, इसके पापा को दिखाते हैं, इसके पापा को दिखाएंगे भी केक, चल रही है अभी पार्टी, तो मेरे तो भर गया पेट फ्रेंड्स, मैंने बनाए थे मटर पनीर, तो मन नहीं बनाए, नहीं थे बनाए हैं हाँ बनाए हैं, आपको तो नहीं है बनाए थे, मतलब बना लिए हैं बन गए, तो मेरे तो अभी इसी से लग से पेट भर गया गाइस, टेस्ट करेंगे तब बताएंगे कि वो स्वाद है या नहीं है, अभी तो ये तारीफ आपके सामने कुछ भी करे,
हम बिना टेस्ट के तो बता नहीं सकते ना कैसे हो। बता बे बनाओ टेस्टी ना। फिलहाल तो हम जो चिकन लाए हैं अफगानी चिकन अल्टीमेट, मजा आ गया खाकर, मजा आ गया। अगर कोई भी हमारा फ्रेंड्स कोई भी विकासपुरी अगर रहता है तो प्लीज विकासपुरी में ही शॉप है ये कबाब करी के नाम से, ऑसम ऑसम अफगानी चिकन मिलता है वहाँ से, ऑसम क्रीमी क्रीमी अफगानी चिकन। आप उसको टेस्टी नहीं बोल सकते, उसको यमी नहीं बोल सकते, ऑसम आई थिंक सो कि ऑसम एक अफगानी चिकन मिलता है। अभी तो हमने फिलहाल उसको ओवन में गरम किया था तो अभी तो वो ऐसा हो गया अल्टीमेट नहीं तो वो इसमें देते हैं एक बॉक्स में, ये हाफ होता है तो ऑसम। इसके बाद हम जो एक जो गुरविंदर कौर ने एक सब्जी बनाई है, पता नहीं कैसी बनाई है, क्या किया है हमें नहीं पता हमें खानी पड़ती मजबूरी थी। अब तो हमें व्लॉग्स में अब तो हम खुद बताएंगे कि अच्छी बनी नहीं बनी, चाहे बुरी हो तो बुरी बोलेंगे, अच्छी हो तो अच्छा, कोई बात नहीं बोल देना। पर मेरी सब्जी जो है कभी भी बुरी नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। हाँ, मिर्च वाली हो सकती है। नहीं मिर्च तो कम डाली है मैंने। नहीं मिर्च तो नमक तेज हो जाता है। नहीं नहीं नमक कभी तेज नहीं हुआ, मिर्च ऐसा नहीं बोल सकती कि नमक तेज नहीं हुआ, हुआ कई बार हुआ, नमक नहीं कभी तेज हुआ मेरा, जन्म दिया गया सुना है तुम शादी कराता है। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इसने केक बनाया है, जो मैंने केक बनाया, मैंने भी बनाया, मैंने बनाया और लिखा देखो क्या है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब ये केक बनाने लगी है मुझसे आके पूछ रही है कि दीदी केक में अंडा डाल सकते हैं ना, मैंने इसको बताया तभी इसने बनाया ना गाइस, तो मैंने ही बनाया, डेकोरेट गाइस मैंने किया, डेकोरेट भी मैंने किया, केक खराब हो गया, केक सही मम्मी और मैंने किया, अगर मम्मी और मैं केक सही ना करते तो केक का क्या होता है ना मम्मी, बोलो केक टाइट हो गया ना, हमने सही किया कि नहीं किया। पर चॉकलेट मैंने पिघलाई, सब कुछ मैंने, चॉकलेट इसने पिघलाई, डेकोरेट मैंने कराया, केक सही मैंने किया। खाने में टेस्टी है ना, सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट है, मजा आएगा खाने में, बहुत अच्छा केक बना है, एकदम टेस्टी। गुन्नू की मेहनत रंग लाई, कोमल की मेहनत रंग लाई, केक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्या कोमल? मम्मी करना आप करना क्या? बस कर। चलो फ्रेंड्स चलते हैं रोटी बनाने, तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ, डिनर रेडी करती हूँ फटाफट, मैं बना रही हूँ डिनर, मैंने बनाया मटर पनीर, तो चलिए मैं आपको मटर पनीर दिखाती हूँ, मटर पनीर का रंग कैसा आया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी का रंग कैसा आया है। तो ये बनी है मटर पनीर, बहुत ही गर्म, बहुत टेस्टी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मीठी तरह खुशबू आ रही है, मीठी है ना यम्मी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बना लूँ फटाफट से फुलके, तो फुलके बना के मैं आपको मिलती हूँ। गाइस अब मम्मी रोटी बना रही है, मम्मी ने बनाया मटर पनीर, खाया बेटा ये दीदी को रोटी दे क्या। तो आज ये फ्रेंड्स आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए,
डिनर बन चुका है, रेडी है। और अन्य मूली पड़ी है तो मूली वगैरह ले लो, प्याज मूली ले लो। रोटी देते हैं हम दीदी को, दीदी ये लो रोटी, रोटी खाओ। थैंक यू। और ऐश अपना वो भी बंद करो, संभाल। आप हमारे कमरे का लेना देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि अभी है ना, और कपड़े तैयार आपने संभाल और ऐश तो क्या। चलो भैया कोमल अंदर चले। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है, केक भी खा लिया हमने, केक भी खा लिया, केक बहुत टेस्टी बनाया कोमल ने, बहुत यम केक बनाया। वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा केक था आपने, बहुत अच्छा केक बनाया। हाँ ये मेरे को गरीज मिली। हेलो मैम, तो केक बहुत बढ़िया था। तो ये भी जाकर सो चुके हैं, इन्होंने जाना है कल अपने ऑफिस काम पर, तो ये तो सो रहे हैं। तो अब हम इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो हमारे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर हम और जो इस व्लॉग में नए हैं वो भी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।